भाजपा की जन आशीर्वाद यात्रा मंदसौर पहुंची, जहां जगह जगह पर यात्रा का स्वागत किया गया। भाजपा महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने जनता से भाजपा को पूर्ण बहुमत के साथ जिताने की अपील की। चुनावी समर में आई बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा के स्वागत में टिकट के दावेदारों ने शक्ति प्रदर्शन करते हुए ताकत दिखाई। शहर के चौक चौराहों पर रथ से आई यात्रा का स्वागत करने से लेकर होर्डिंग बैनर लगाने को लेकर भी टिकट के दावेदारों में होड़सी रही। अनेक जगहों पर मंच बनाकर रोड शो के दौरान स्वागत किया गया। मंच से कैलाश विजयवर्गीय ने केंद्र और राज्य सरकार की योजनाएं गिनवाई और आने वाले चुनाव में भाजपा के पक्ष में मतदान कर बहुमत के साथ सरकार बनाने की अपील की। कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि ये सरकार गरीब किसानों की सरकार है, भाजपा सरकार सबका साथ सबका विकास चाहती है। आगे उन्होंने कहा कि मेरा यहाँ पर पहुंचना 6 बजे तक का था, लेकिन मैं पहुंचा 10 बजे, तब भी आप लोगों ने हमारा इंतजार किया। ये आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को मिला है, ये सब भाजपा की लोकप्रियता और काम का नतीजा है। इस वजह से कांग्रेस ही घबरा गए हैं। इंडिया का नाम भारत करने पर कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि विपक्ष उत्तेजनापूर्ण बयान दे रहे हैं, जो कि गलत है। देश के हित के बारे में भी सोचना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी की लोकप्रियता, भारतीय जनता पार्टी का काम, भारतीय जनता पार्टी के लिए लोगों का अनुराग है, उसका परिणाम है कि जबरदस्त इस रथ यात्रा का सम्मान हो रहा, आशीर्वाद यात्रा, और इससे शायद कांग्रेस के लोग थोड़े से घबरा गए, विचलित हो गए। अब वो जो हरकत कर रहे हैं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हम तो न झुकने वाले, न डरने वाले हैं, न रुकने वाले। हम तो आगे बढ़ेंगे, क्योंकि हमने प्रदेश के विकास का संकल्प लिया और देश के विकास का संकल्प। रविंद्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी भोपाल, ओनली प्राइवेट यूनिवर्सिटी इन एमपी टू बी एनआईआरएफ रैंक फॉर 5 consecutive ईयर्स, जहां है 600 से ज्यादा कंपनी टाइप्स फॉर प्लेसमेंट्स, अटल इंक्यूबेशन सेंटर फॉर नर्चरिंग स्टार्टअप्स, इंडस्ट्री एकेडमिया कोलैबोरेशन फॉर एक्सपोजर ऑफ रियल इंडस्ट्री वर्ल्ड, 20 सेंटर्स ऑफ एक्सलेंस फॉर रिसर्च, साथ ही ग्लोबल फेस्टिवल विश्व रंग में शामिल होने का अवसर देता है। रविंद्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी, अनलॉकिंग पोटेंशियल। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।